हेलो एवरीवन दिस इज रेखा सिंह वेलकम यू ऑल ऑन केयर स्टडीज हब आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सिक्सटी सेवेंथ मेंस प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं उसी सीरीज में आज का ये वीडियो है काफी समय से स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे दैट मैम प्लीज हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस कर दीजिए मैं कुछ वीडियोस आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने कुछ करंट अफेयर्स कुछ साइंस एंड टेक इकोनॉमी जोग्राफी की क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए होप uh, कि आपने आंसर राइटिंग शुरू कर दी होगी uh, मैंने आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कई बार मैं ये चीज आपको बता चुकी हूँ दैट मै जो आपको कट ऑफ है वो डाउन जाने वाला है तो जो भी स्टूडेंट्स 100 नियर बाय स्कोर कर रहे हैं वो प्लीज डू प्रिपेयर फॉर योर मेंस ज्यादा मत सोचिए ठीक है थीके? क्योंकि 15 या 12 नवंबर के आसपास रिजल्ट आएगा और उसके बाद आपके पास सिर्फ 40 45 दिन बचेंगे तो उतने दिन में आप मेंस को प्रिपेयर नहीं कर सकते हो ओके तो अभी आपके पास जो टाइम है उसे अच्छे से यूटिलाइज कीजिए बिकॉज़ प्रीलिम्स फिल्म तो निकाल लेने से आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है ठीक है आपका फाइनल सिलेक्शन डिपेंड करेगा आपके मेंस पे एंड आपके इंटरव्यू पे ओके तो मैं आज आज का जो वीडियो है इसमें हम सिक्सटी सेवेंथ बी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में प्रोडिक्ट करने वाली हूँ उससे पहले मैं आपको आ, हमारा जो पिछला प्रोडिक्शन है उसके बारे में दिखा दूं ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से जानते हैं बट जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको एक ऑथेंटिसिटी जो है वो उनके सामने आ जाए कि भाई इसका क्या औचित्य है जो हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो कितने वैलिड है राइट सिक्सटी सिक्स बीपीएससी के लिए ये कुछ क्वेश्चन हमने प्रोवाइड कराए थे मैंने टोटल थर्टीन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए थे कि भाई आपको तेरा क्वेश्चन तैयार करने हैं और लगभग छह क्वेश्चन आप सबको है आपका जो जीएस पेपर वन है उसमें तीन सेक्शन होते हैं पहला सेक्शन हिस्ट्री का होता है 114 मार्क्स का अब ये 114 मार्क्स की जो हिस्ट्री है ये अगर आप पहले से पूरी प्रिपेयर कर लेंगे तो 114 मार्क्स आपके हाथ में रहते हैं देखिए 114 में से 114 मार्क्स किसी को नहीं मिलते हैं ये टॉपर को भी नहीं मिलते हैं ठीक है ये तो सबको पता है बट आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो पहले से जब आप क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाओगे तो बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपके मार्क्स दूसरों के कंपैरिजन में अच्छे आए जो ऑन द लाइक एग्जाम uh, वाले दिन ही सोच सोच के याद करके चीजों को या फिर वहीं पे आंसर बना रहे हैं या फिर जो पहले से बच्चे आंसर को प्रिपेयर करके गए हैं कि मैं इस तरह से इस पैटर्न में लिखूंगा अगर मोर कला आएगी तो मैं ये डायग्राम डालूंगा ऐसे करूंगा तो उनका आंसर ज्यादा बेहतर होगा टू अदर स्टूडेंट्स तो ये 114 मार्क्स पूरा का पूरा प्रिडिक्टेबल होता है और ये हमारा 65 में भी हमने प्रिडिक्शन किया था सारे क्वेश्चन वहीं से आए थे 66 में भी किया था सारे क्वेश्चंस वहीं से आए थे एक बार आप देख लीजिए मैं वीडियो का लिंक भी डाल दूंगी 66 बीपीएससी मेंस के नाम से एक वीडियो है प्ले लिस्ट में है उसमें काफी सारी वीडियोज है आप चेक भी कर सकते हैं तो ये देखिए मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर पटना कलम गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर संथालन मुंडा चंपारण के बारे में हम मैंने बताया था कि आ सकता है 66 की मैं बात कर रही हूँ अभी फिर आगे 67 पे आती क्विकली ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस इन बिहार क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में मैंने बताया था ये उसी का स्लाइड है मेरी प्रीवियस वीडियो का उसमें से स्क्रीन लिया हुआ है रोल ऑफ कुंवर सिंह के बारे में बताया था राइट और यहाँ पे देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो आठ क्वेश्चन थे और पांच क्वेश्चन ये है टोटल मैंने थर्टीन क्वेश्चन दिए थे इंडिविजुअल सत्याग्रह नेशनलिज्म इन बिहार, गांधी नेहरू अब आप अपना लाइक like ये सिक्सटी सिक्स का पेपर है लुक एट दिस ये हिस्ट्री वाला सेक्शन है सेक्शन वन ठीक है ये सेक्शन वन है आपका छह क्वेश्चन आते हैं इस तरह से छह क्वेश्चन में से आपको तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं ठीक है अच्छी खासी चॉइस होती है तो छह क्वेश्चन के छह क्वेश्चन देख लीजिए हमारे प्रोडिक्शन सीरीज में से पांच के पांच क्वेश्चन आ गए हैं आपको करने तीन हैं पांच आपको पहले से पता है अगर आप पहले से प्रिपेयर करके गए उसमें से तीन आपको करने को मिल जाए तो आप बहुत अच्छा आंसर लिखोगे राइट विन विन सिचुएशन हो जाती है तो सांथाल मैंने प्रिडिक्ट किया था सांथाल आया है यहाँ पे देख लीजिए बिरसा मुंडा मैंने प्रिडिक किया था तो बिरसा मुंडा भी आए हैं चंपारण सत्याग्रह है, मैंने प्रडिक किया था तो ये भी आया है उसके अलावा नेहरू जी के बारे में मैंने बोला था उनके दो चार ही है उनकी फॉरन पॉलिसी कम्युनलिज्म कम्युनलिज्मिकुलरिज्म पे उनके व्यूज पूछे पूछ जाते हैं और ये इनका डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पे कवर है तो ये भी आए थे उसके अलावा पटना कलम भी मैंने प्रडिक की थी तो पटना कलम भी आई है उसके अलावा ये शॉर्ट नोट्स का एक आने लगा है ये ट्रेंड शुरू हुआ है लगभग अ सिक्सटी फोर्थ बीपीएससी से शुरू हुआ है कि क्या करते हैं कि इस तरह से तीन क्वेश्चन दे देते हैं एबीसी करके और उसमें से बोला जाता है कि एनी टू करने हैं तो नाइनटीन मार्क्स का एक हो जाता है दो करने होते हैं तो अड़तीस मार्क्स का हो जाता है बाकी जो सारे क्वेश्चन है वो अड़तीस मार्क्स के होते हैं तो इसमें से भी गांधी जी प्रिडिक्टेड थे तो गांधी जी आए थे जयप्रकाश नारायण जी को नहीं किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को मैंने प्लिक किया था तो जब भी क्विट इंडिया मूवमेंट को बच्चे प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जेपी नारायण जी का रोल जरूर प्रिपेयर करना होता है आज दस्ता वगैरह देखना होता है बिहार का कॉन्ट्रीब्यूशन बिहार का सिग्निफिकेंस और रोल देखना होता है तो एक तरह से ये क्वेश्चन भी प्रिडिक्टेड है आप देख रहे हो कि सारे के सारे क्वेश्चन हमारे प्रिडिक्शन सीरीज से ही आए तेरह क्वेश्चन मैंने बताए थे टोटल और उसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आ गए हैं तो जो भी स्टूडेंट ने वो किया होगा तो वो डेफिनेटली इन क्वेश्चन को बना पाए होंगे ओके अब फटाफट से अब आपको थोड़ा सा ट्रस्ट आ जाएगा जो भी नए स्टूडेंट्स हैं अब मैं क्विकली आगे बढ़ती हूँ सिक्सटी सेवेंथ के जो स्टूडेंट्स हैं जो इस बार मेंस लिखने जाएंगे उनके लिए देख लीजिए मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ आपको फोर्टीन क्वेश्चन टोटल फोर्टीन क्वेश्चन और यू विल सी कि आपको छह क्वेश्चन करने को आएंगे छह में से लगभग पांच और वो जो शॉर्ट नोट्स है उसमें से भी एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे आपको करने तीन ही होते हैं तो टोटल 14 में इस बार प्रोवाइड करा रही ज्यादा नहीं है चौदह क्वेश्चन आप प्रिपेयर कीजिए और एक सौ चौदह मार्क्स जो है अपने एक सौ चौदह मार्क्स का जो पार्ट है उसे सिक्योर कर लीजिए तो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर इस बार इम्पोर्टेंट हो जाती है ठीक है तो आप इसे अच्छे से करेंगे उसके बाद पालकला हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे लिखा हुआ है है तो आप देख सकते हैं पालकला भी इम्पोर्टेंट है इस बार मधुबनी पेंटिंग भी इंपॉर्टेंट है बट इसका इंपॉर्टेंस मैं लेस मान के चल रही हूँ बट फिर भी आपको प्रिपेयर करना है मधुबनी पेंटिंग सिर्फ एक बार ही पूछी गई है अभी तक बट येट इट इज इंपॉर्टेंट ओके उसके अलावा ट्राइबल रिवॉल्ट ऑफ बिहार देखिए लास्ट ईयर जो है वो बिरसा मुंडा एंड जो है दोनों पूछ लिए गए थे तो बीपीएससी का ये सेट पैटर्न है कि एक बार बिरसा सांथाल पूछते हैं है, और एक बार क्या करते हैं कि बिहार के सारे के सारे ट्राइबल बारे में पूछ लेते हैं तो लगभग आपको चार साढ़े चार पेज का आंसर लिखना होता है तो उसमें ताना भगत मूवमेंट उसमें बिरसा मुंडा मूवमेंट उसमें सांथल सारे मूवमेंट को थोड़ा थोड़ा लिख देना होता है जब सारे पूछे जाते हैं तो आप वो सांथल और बिरसा मुंडा तो करेंगे ही करेंगे आप ट्राइबल रिवॉल्ट ऑफ इन जनरल कर लेंगे ओके सारे ट्रैवल देख लेंगे। ऑफ 1857 इस बार मोस्ट वी आई लाइक इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है और उसमें स्पेशली कुंवर सिंह का रोल। ये क्वेश्चन डिटेल में मैंने अपने चैनल पे कवर किया हुआ है आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो और इस क्वेश्चन को वहां से नोट्स जो है बना सकते हो देखिए किसी भी क्वेश्चन के नोट्स प्रिपेयर करने में आपको दिक्कत होती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगी ज्यादातर जो हिस्ट्री वाला पार्ट है वो चैनल पे कवर है प्लेलिस्ट है हिस्ट्री ऑफ बिहार के नाम से आप चेक कर लीजिएगा प्लीज क्विट इंडिया मूवमेंट इस बार इंपॉर्टेंट है उसमें रोल ऑफ बिहार बिहार का जो रोल है ठीक है वो आपको देखना होगा देखिए जब भी, भी आप कोई भी टॉपिक को कवर करते हैं जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 ही कवर कर रहे हैं तो इसके कॉजेज इसके सिग्निफिकेंस इसकी कॉन्सिक्वेंसिस आपको सब कवर सब जो है कवर करना होगा फाइन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेस इंपॉर्टेंट है बट येट आ सकता है ठीक है इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा तो इसमें स्पेशली कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बिहार ये टॉपिक भी मैंने चैनल पे कवर किया हुआ है तो ये सात क्वेश्चन हो गए हैं उसके बाद देखिए क्विकली इंडिविजुअल सत्याग्रह इस बार इंपॉर्टेंट है चांसेस इसके बन रहे हैं आने के ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न टेक्निकल एजुकेशन इन प्रेसेंट बिहार ये क्वेश्चन मैंने कवर कराया हुआ है चैनल पे और ये e क्वेश्चन इस बार इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है अक्सर ये e पूछा जाता है कि बिहार में पश्चिमी शिक्षा तकनीकी शिक्षा और प्रेस का विकास कैसे हुआ है उसके अलावा स्वामी सरस्वती एंड किसान सभा इंपॉर्टेंट है इस बार मूवमेंट्स इन बिहार बिहार के कि किसान आंदोलन इस बार इंपॉर्टेंट है जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं किसान आंदोलन को और स्वामी सजानंद सरस्वती को जोड़ के भी पूछा जा सकता है तो इन दोनों क्वेश्चन को आप एक साथ ही प्रिपेयर कीजिएगा इस बार गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी इंपॉर्टेंट मैं मान के चल रही हूँ प्लीज कंसिडर कीजिएगा गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर शायद चैनल पे मैंने कवर किया हुआ है नहीं किया होगा तो आप एक बार मुझे बता दीजिएगा क्योंकि पाल कला पहले नहीं पूछी जाती थी ठीक है मौर्य कला पूछा जाता था या फिर पटना कलम पेंटिंग पूछी जाती थी बट सिक्सटी फिफ्थ में पाल कला पूछी गई थी और उसके अलावा गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी पूछा जाता है क्योंकि इसका जा सकता है अभी तक तो पूछा नहीं गया है इसका लेना देना अभी बिहार से था तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप इसे भी इस बार कवर करके जाएंगे राइट एवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड नेशनलिज्म इन नाइनटीन सेंचुरी ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो डू प्रिपेयर दैट क्वेश्चन ये मैंने चैनल पे कवर कराया हुआ है गांधी नेहरू टेगौर ये इंपॉर्टेंट है उसमें से भी टेगोर जी इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी और नेहरू जी लास्ट ईयर आए हैं तो टेगोर पर ज्यादा फोकस कीजिएगा उनको भी कवर करना है कभी कभी दो दो पर्सनैलिटीज के बारे में पूछ ले जाते हैं उसके अलावा अभी क्या हो रहा है कि अलग अलग पर्सनैलिटीज के बारे में पूछा जा रहा है जैसे कि आपने देखा होगा Sixty. Uh... फिफ्थ से ही जैसे राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में पूछा गया फिर सिक्सटी सिक्स में जेपी नारायण के बारे में पूछा गया सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा गया तो एस ना, एस ना आप गांधी को गांधी नेहरू टैगोर तैयार करेंगे वो भी स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है डेढ़ सौ दो सौ रुपए की गांधी नेहरू टैगोर करके उसमें डेढ़ सौ प्लस पर्सनैलिटीज जो है मैंशन है अलग अलग पर्सनैलिटी वो किताब आपको प्लीज पढ़नी होगी परचेज कर लीजिएगा और उसे प्लीज पढ़िए है ना देखिए एक एक मार्क जो है एक एक नंबर जो है मीनस में मैटर करता है एक नंबर से बाहर हो सकते हो एक नंबर से आप अंदर हो सकते हो तो प्लीज डू फोकस उसके अलावा और भी जो फेमस पर्सनैलिटीज है उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि किन किन फेमस पर्सनैलिटीज के आने के चांसेस इस बार हैं ठीक है थीके? उस पर थोड़ा सा रिसर्च मुझे करना होगा देन आई टेल यू कि कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज इस बार आने के चांसेस उनके बन रहे हैं तब तक आप गांधी नेहरू टैगोर से तैयार तो करेंगे टोटल फोर्टीन क्वेश्चन है चौदह क्वेश्चन से आपका एक सौ चौदह मार्क्स का जो पार्ट है जीएस पेपर वन का हिस्ट्री वो कवर हो जाता है तो दैट इज अ बिग थिंग प्लीज डू प्रिपेयर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड प्लीज डू सपोर्ट द चैनल नए जो व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को एंड डू हिट द लाइक बटन एंड करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी ठीक है अभी कुछ और क्वेश्चंस हैं जो प्रोवाइड कराने हैं उसके अलावा इकोनॉमी ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक वाला सेक्शन डीआई की प्रैक्टिस आप अपने से करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे और एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक लेके उससे आप प्रैक्टिस करोगे uh, स्टेट्स वाला पोर्शन ओके आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो